दोस्तों आखिर मैंने थंबनेल में ऐसे क्यों लिखा कि लोग खुद को आरबीआई का गवर्नर समझते हैं? इसके लिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है, और ये केवल रायपुर शहर की बात नहीं है, ये बहुत सारे देश के अलग अलग शहरों में होता ही है। दोस्तों वाक्य ये हुआ कि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गया और वहाँ मुझे भूख लगी, तो मैंने 10 रुपये के मिर्चे का एक पैकेट लिया और मैंने दुकानदार को बोला कि भैया लीजिए, तो दुकानदार ने मना कर दिया। दुकानदार बोला कि 10 का सिक्का मत दीजिए, नोट दीजिए। तो मैंने कहा कि भैया 10 का सिक्का तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? तो बोलता है 10 का सिक्का नहीं चलता। मैंने कहा एक कब खबर आ गया यार कि 10 का सिक्का बंद हो गया, मैंने तो कहीं पेपर भी नहीं पढ़ा ना मैंने कोई न्यूज चैनल में देखा। और जस्ट मैं भिलाई शहर से, बगल के शहर से आ रहा हूँ, वहाँ तो ये सिक्का चल रहा था और वहीं के दुकानदार ने मुझे दिया। उस व्यापारी ने बहुत ही लापरवाही पूर्वक जवाब दिया और गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि देखिए भैया ये सिक्का भिलाई शहर में चलता है लेकिन रायपुर शहर में नहीं चलता। अब ये क्या बात हुआ? देखिए 10 का सिक्का आरबीआई जारी करता है और ये आरबीआई तय करेगा ना कि कौन सा सिक्का कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। और आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात नहीं कहा कि 10 का सिक्का रायपुर में नहीं चलेगा और ये शहरों में नहीं चलेगा। मतलब कि कुछ व्यापारियों का संघ मिलकर सीधे आरबीआई को चैलेंज करता है। दोस्तों हमारी एक एक करेंसी हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ होती है, और जब कोई एक करेंसी ठीक से नहीं चलती तो उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारे मनी फ्लो पर पड़ता है। कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि सिक्के का नहीं चलने का कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ग्राहक तो भिलाई शहर में भी है, रायपुर में भी है और बिलासपुर में भी है। ग्राहक तो फ्लो करते रहता है और ग्राहक जहाँ जाता है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, लेकिन जो व्यापारी है वो एकदम स्थायी होता है। जैसे रायपुर शहर का जो व्यापारी है वो रायपुर शहर में एकदम स्थायी है, और सिक्के का प्रॉब्लम रायपुर शहर में ही है ना। मतलब कि सिक्के नहीं चलने के लिए जिम्मेवार ग्राहक नहीं व्यापारी है, क्योंकि ग्राहक गतिशील है और वो हर जगह सिक्के ले रहा है। ग्राहक ए आकर भिलाई में नहीं बोल रहा है कि वहाँ आपका 10 का सिक्का नहीं लेंगे। हाँ, जो रायपुर का निवासी है वो ग्राहक बोलेगा कि भैया 10 का सिक्का मत दीजिए, रायपुर में नहीं चलता। मतलब कि व्यापारी ही इसके लिए जिम्मेवार है सिक्के के नहीं चलने देने कारण। और दोस्तों ये केवल आरबीआई को चैलेंज नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक छल भी है। और सबसे ताजुब वाली बात आपको बता दूं कि इसकी जानकारी प्रशासन को भी होगी, क्योंकि जब पूरे शहर में सिक्के नहीं चल रहे हैं तो पक्का प्रशासनिक व्यक्ति, पुलिसकर्मी, न्यायकर्मी, सभी के सभी तो वहां से गुजरते हैं पूरे शहर में। अब कोई गली या कोई एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे शहर की बात है। और जब 10 का सिक्का नहीं चला रहे लोग, खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, तो वहाँ की प्रशासन इस पर आक्रामक क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन कड़ाई क्यों नहीं कर रही कि कौन कौन सिक्का नहीं ले रहा है? प्रशासन के साथ साथ उस क्षेत्र की जनता को भी जागरूक होनी चाहिए। अगर 10 का सिक्का कोई नहीं लेता है तो नज़दीकी थाने में जाकर कंप्लेन करना चाहिए। अगर वो थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती तो बहुत सारे नंबर होते हैं, उस नंबर में कॉल लगाना चाहिए। अगर वहाँ ना बात बने तो और आगे जानी चाहिए, हमेशा कम से कम एक दो फेरे तो कहीं ना कहीं से लगा लेनी चाहिए। अगर उस शहर का एक दिन में 10 नागरिक भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसकी गुहार लगाए तो शायद एक महीने में मुझे ऐसा नहीं लगता कि व्यापारियों की इतनी हिम्मत होगी कि वो फिर से बोल सके कि मैं 10 का सिक्का नहीं लूंगा। और दोस्तों केवल 10 का सिक्का की बात नहीं है, एक का सिक्का जो छोटा साइज का आता है उसे भी लोगों द्वारा खुद से बंद करा दिया गया, एकदम खुद से आरबीआई के गवर्नर बन के लोग बंद करा दिए। और यहाँ पर प्रशासन करता क्या है? और प्रशासन बस फॉर्मेलिटी निभाते हुए जब आप जाएंगे तो कह देगा कि अरे जो नहीं लगा मुझे बताइएगा। अब प्रशासन को जाकर वहाँ पूछताछ करनी चाहिए, प्रशासन को अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि लेना आपको जरूरी है, तो प्रशासन बस बोल देगा कि ठीक है जो नहीं ले रहा उसका नाम बताइए। अब कोई व्यक्ति बेचारा आधे घंटे एक घंटे के लिए शहर में आएगा, कोई अगर बाहर का व्यक्ति, और उसका सिक्का नहीं चलेगा तो वो थोड़ी कहेगा कि अरे यार कौन है, पुलिस के पछड़े में पड़े, और पुलिस की इमेज क्या है ये तो पूरा देश जानता है। तो प्रशासन को खुद एक्टिव होना पड़ेगा। दोस्तों बात दरअसल ये होता है कि ग्राहक जब किसी व्यापारी के पास कुछ सामान खरीदता है तो उसे 10 का सिक्का ग्राहक देता है व्यापारी को, तो व्यापारी बोलता है मैं इसे नहीं लूंगा, 10 का सिक्का मैं लूंगा ही नहीं। अब क्या होता है, अब ग्राहक दूसरे दुकानदार के पास जाता है, दूसरे व्यापारी के पास जाता है कुछ खरीदने। अब वो व्यापारी जब उसे 10 का सिक्का देता है तो उस ग्राहक के दिमाग में क्लिक करता है कि अरे वो व्यापारी नहीं लिया, तो वो क्या कहता है कि भैया मैं आपसे 10 का सिक्का नहीं लूंगा। तो इस तरह से ये
फैलते फैलते इस तरह से एक तरह से अफवाह के रूप में फैलते फैलते वो पूरे शहर को और साथ ही साथ राज्य को अपने चपेटे में ले लेता है। और दोस्तों इस पर कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। और दोस्तों आपको भी लगता है कि 10 का सिक्का और RBI द्वारा जितने भी भारतीय करेंसी जारी किए जाते हैं उसे हर जगह हर हाल में चलना चाहिए और किसी भी व्यापारी को कहने का अधिकार न हो कि देखो यार ये सिक्का मैं नहीं लूंगा, ये सब यहाँ नहीं चलता। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी मुहिम है जो भारत सरकार हमें अधिकार दिया है, हमें वो गारंटी दिया है कि एक करेंसी आप जहाँ भी जाए वहाँ चलेगा, उसे कोई चैलेंज करे उससे निपटने की मुहिम है। और इस मुहिम में आप शामिल होइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो व्यापारियों तक पहुँचे, ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे और ये वीडियो RBI के कर्मचारियों तक भी पहुँचे, ताकि सबके सब एक्टिव हो और कोई भी ऐसी करेंसी जो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है उसे कोई चैलेंज करने की हिम्मत ना करे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।